हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहल्स लाइफस्टाइल व्लॉग्स। देखिए, आज गणपति का आगमन कितने जल्लोश से हमारे घर में हो रहा है और मम्मी यहाँ पर पानी प्लेट और हल्दी कुमकुम वगैरह लेकर खड़ी है। जो भी गणेश जी को लेकर आता है, उनके पैर धुलकर उनकी पूजा कर अंदर लाया जाता है। ये देखिए, मेरा भाई गणेश जी को पकड़ कर आ रहा है और अभी पापा आएंगे गणपति पापा को उतारने के लिए और फिर उनके पैर वगैरह धोकर गणेश जी को घर में लेकर जाया जाएगा। गणेश जी की मूर्ति बहुत हेवी थी और यहाँ पर बहुत जल्लोश से गणपति पापा मोरिया के नारे लग रहे हैं और सब लोग बैंड देखने में मस्त हैं और सब लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खूब अच्छे से मना रहे हैं गणेश जी को। गणेश जी के आगमन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये मूर्ति बहुत ही ज़्यादा हेवी थी क्योंकि ये शाडू मट्टी होती है ना, उसकी मूर्ति थी, पीओपी की नहीं। तो अभी देखिए, पापा को इसे पकड़ने में परेशानी हो रही है क्योंकि उन्होंने उठाते से ही ठीक से नहीं उठाए थे। अभी गणपति जी घर में आ रहे हैं। जैसे ही गणेश जी घर में आते हैं, उसका आनंद ही कुछ और होता है, उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। और जैसे ही उनको देखते हैं, आंखें भर के आती है, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, दिल भर के आता है। और यहाँ पर देखिए, अभी गणेश जी घर में आ चुके हैं और अभी उनके स्थान पर उनको रख दिया जाएगा। जब स्थापना होंगी, जब उनको जो पाठ होता है चौरंग पाठ, उसके ऊपर बैठा दिए जाएंगे। तो अभी भाई और पप्पा दोनों मिलकर जल्लोश के साथ में, नारों के साथ में गणेश जी को टेबल पर रख रहे हैं और लगभग शाम को 7 बजे इनकी स्थापना हो जाएंगी। देखिए, इनको लाल कपड़े से झककर लेकर आए हैं फेटे वाले पप्पा, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और अभी देखिए, यहाँ पर बच्चों का डांस और जल्लोश के साथ में उनका बैंड बजाना, मस्ती मज़ा सब कुछ कर रहे हैं और बहुत प्यारा लग रहा था। गणेश जी के आने पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए कैसे बैंड बजा रहे हैं। इन लोगों ने कम से कम 2-3 घंटे तक तो बजाया गणेश जी को लेकर आने के बाद में। और ये अभी उनके ऊपर से नज़र उतार कर गणेश जी के ऊपर से नज़र उतार कर भाई पैसे लेकर गया है उन लोग को देने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा सबके साथ में। और बच्चे जस्ट अभी उठकर, उनके मामा ने उनको उठाकर वहाँ पर बैठा दिए तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। वो लोग एकदम से देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है हमारे घर में। तो अभी देखिए, यहाँ पर गणेश जी की स्थापना हो रही है शाम को 7 बजे। और आज की पूजा भाई ने की थी पूरी, मम्मी बता रही थी और वो कर रहा था और मैं भी नीचे बैठकर पूरा सामान उसको दे रही थी। उसे बहुत खुशी हो रही थी गणेश जी के घर पर आने की, उनकी स्थापना करने की। वो बोलता है, ये मेरे छोटे भाई है क्योंकि इसके जन्म के बाद ही गणेश जी आए हैं। और ये देखिए, कलश रखा गया है, कलश रख रहे हैं अभी और कलश स्थापना हो गई है। अभी कलश के आजू बाजू में जो रखना होता है नीचे, वो सब रख रहा है मेरा भाई। उसे बहुत खुशी हो रही है उनकी पूजा करने में, उनको सजाने में, उनको रखने में, उनके लिए सब कुछ करने में। इस बार मम्मी ने कुछ भी नहीं किया, मम्मी सिर्फ उसको बता रही थी और वो बहुत खुशी से कर रहा था। उसको अभी पूजा पाठ करने में बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी अभी बहुत पूजा पाठ करने लगा है। तो अभी देखिए, हमारे गणपति पापा कैसे दिख रहे हैं, लग रहे हैं ना बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर। उनका डेकोरेशन जब हमने किया था, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बहुत खाली खाली लग रहा था। और जैसे ही गणेश जी उसमें विराजमान हो गए, ऐसा लगा बस उनके लिए ही था। बहुत ही सुंदर लग रहा था उनके आने के बाद में डेकोरेशन, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और घर का माहौल तो पूरा चेंज हो गया था उनके आने से, खुशी से मन एकदम प्रसन्न हो गया था। वो बातें शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और यहाँ पर भाई ने अखंड ज्योत जो होती है वो प्रज्वलित कर दिया है और गणेश जी की स्थापना विधि पूर्वक हो गई है।
ये देखिए मेरे भाई ने क्या लेके आया, ये अगरबत्ती है कि अगरबत्ता मालूम नहीं, इतनी बड़ी अगरबत्ती लेकर आया जो रात भर जलती रही। और इसे लगाने में तो परेशानी हुई, बाद में इसे रखना कहाँ है, कैसे सेट करना है, उसके लिए भी परेशानी हुई। तो देखिए वो उसके लिए कितनी जद्दोजहद कर रहा है कि इसे मैं कहाँ पर रखूँ लगाने के बाद में। ये देखो अब ये जल तो जल्दी गई, जलने में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, पर उसको रखने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो एक ग्लास में चावल भर के मैंने उसको दिया था कि इसमें रख, वो उसमें भी नहीं खड़ी हो पाई। तो उसने क्या किया, चावल आधा करके उसमें एक पीस बनाना रख दिया और बनाना को चिपका कर सटा कर उसने ऐसे जो अगरबत्ती है वो रख दिया। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी, देखिए कैसा रख दिया उसने। बहुत उसके लिए वो परेशानी हुई कि इसको रखना कैसे है। इतनी जद्दोजहद के बाद में आखिर उसको रख दिया गया, उस अगरबत्ता को। अभी देखिए गणेश जी की धूप दीप से आरती हो रही है और मेरा भाई यहाँ पर धूप दीप दिखा रहा है। किसके किसके यहाँ पर गणेश जी आए हैं, किसने किसने गणपति स्थापना की है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा हो और मेरी बातें अच्छी लग रही हो, क्योंकि ये मेरा दूसरा वॉइस ओवर है। अगर कुछ गलती हो गई होंगी तो माफ़ कीजिएगा। तो देखिए अभी गणेश जी के पास में धूप दीप हो गया है और अभी ये धूप दिखा रहा है गणेश जी को। अभी इसके बाद में आरती की तैयारी की जाएगी। और आरती कंप्लीट हो गई है और पापा सबको कपूर दे रहे हैं और बोल रहे हैं भगवान से कि सबको अच्छा रखो, सबको खुश रखो, सबको सुखी रखो। और यहाँ पर देखिए अभी गणेश जी का नैवेद्य लग चुका है, जिसमें हमने पूरी, मिक्स वेज, कड़ी,
दाल चावल मोदक लड्डू और कांदा भजी बनाए थे, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और खाने में भी उतना टेस्टी था। शायद गणेश जी को भी बहुत पसंद आया होगा खाना। और ये लास्ट क्लिप है खाने की, और देखिए यहाँ पर गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसे विराजमान हुए हैं। इनका खाना वगैरह सब कुछ हो गया है और ये लास्ट में मैंने क्लिप निकाले थे। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा गणेश व्लॉग डे वन? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं गणपति महाराज, बोलो गणपति पापा।